हेलो आनंद, कैसे हो? हेलो सुनिधि, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी बढ़िया। अच्छा, सुना है तुम्हारी छुट्टियाँ शुरू हो गई है? हाँ, कॉलेज की तो छुट्टियाँ मेरी शुरू हो चुकी हैं। तो कहीं घूमने का प्लान तो जरूर बनाया होगा। हाँ, प्लान बनाया है ना, शिमला जाएंगे, जम्मू जाएंगे, जयपुर जाएंगे। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन क्यों नहीं तुम बिहार घूमने आओ? आखिर तुम्हारे बिहार में ऐसा क्या है कि हम तुम्हारे बिहार घूमने आए? हम तुमसे बाद में बात करते हैं। आखिर बिहार घूमने हम क्यों आए, ये सवाल हर वो व्यक्ति पूछता है जिसे बिहार के पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी नहीं है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के कई कारण हैं, जैसे आध्यात्मिक स्थल, मेला महोत्सव, व्यंजन पकवान, स्वास्थ्य पर्यटन, जैसे राजगीर का गर्म पानी का जलाशय जो त्वचा रोग ठीक करने के लिए जाना जाता है। पर अभी भी बिहार में पर्यटन ब्रांड एवं आवागमन, खाने सोने रहने जैसी सुविधाओं का अभाव है। बिहार में कई प्राचीन धरोहरें हैं, जैसे नालंदा, राजगीर, शेरशाह का मकबरा। इन इमारतों को स्पेशल हेरिटेज जोन के रूप में विकसित किया जा सकता है। यहाँ सभी धर्मों के तीर्थ स्थल, साथ ही छठ पर्व पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। बिहार में हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए बाजार विकसित किए जाने चाहिए। यहाँ फूड फेस्टिवल के माध्यम से राज्य के व्यंजन जैसे खाजा, गाजा, ठेकुआ, मखाना, लिट्टी चोखा, सत्तू आर्थिक अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। हमारा बिहार सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधताओं से भरा है, बस जरूरत है इसे संवारने और जागरूकता फैलाने की। वहीं अन्य प्रदेश में पर्यटन ब्रांड डेवलपमेंट को लेकर कई कार्य किए गए हैं, पर हमारे बिहार में अभी पूर्ण रूप से ब्रांड विकसित नहीं है। तो जरूरत है अपने बिहार की एक अलग पहचान और ब्रांड बनाने की, ताकि शान से मैं ये कह सकूं, महापुरुषों और कलाकृतियों के संसार में आइए ना हमरा बिहार में।